मुना आजा इधर, आजा 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 आजा, पानी डाल दिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे हुए हैं और ये लड़का 5:30 बजे से उठा हुआ है और ये देख लें इसकी बदमाश है। कौन कह दे इसको सोया भी है ये, वो देखो सुबह का टाइम है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी कर रही हूँ मैं मॉर्निंग का काम और फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से बाद में। अभी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है, मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी। हे गाइस, तो कपड़े वपड़े धो के मैं आ गई हूँ और मैं अभी आटा बना रही हूँ, इसलिए मैं आटा बनाते बनाते आप लोगों से बात करूंगी। तो आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देख लो। तो मैं आटा बना रही हूँ और मैं ये बता रही थी कि मैंने ना एक सूट स्टिच किया था, मतलब कर रही थी मैं। तो पहले तो मैं उसको कफ्तान वाला कुर्ता बना रही थी, बट अब सब प्लान चेंज हो गया, मैं उसको कुछ और ही बना रही हूँ। तो शायद मैं आपको वीडियो में दिखा के दूंगी कि मैं सोच रही थी ना कि आटा बनाते बनाते आप लोगों को बताती हूँ कि जो मेरा सूट था उसका क्या प्रोसेस है अभी। तो जस्ट अभी ना मैं इसको कंप्लीट करके आई हूँ और लिटरली मैंने उसको 10 से 12 बार उधेड़ उधेड़ के ना बनाया है और फाइनली फिटिंग और मतलब जो ड्रेस है वो अच्छी आई है। तो रेडी हो जाएगा तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज सुबह सुबह ना एक प्लानिंग हुई है, मेरी जो फूफा सास मतलब बुआ सास है ना, उनके यहाँ जा रहे हैं हम सोमवार को मंडे को। तो वहाँ का भी जो ब्लॉग है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी बुआ सास को अभी नया नया पोता हुआ है, मतलब उनके छोटे लड़के को जो है लड़का हुआ है। तो उसका जो कुआ पूजन होता है उसमें हम जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे जलवा बोलते हैं, तो जलवा है तो वहाँ हम सब लोग जा रहे हैं। काफी दिनों के बाद हम ट्रेन में जाने वाले हैं, तो ट्रेन का सफर रहेगा, आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। तो यही सब मुझे आप लोगों को बताना था और आपको बताते और आप लोगों को बताते बताते मेरा आटा, मतलब मैंने आटा भी लगा दिया है। तो मैं बना लेती हूँ खाना, फिर आप लोगों से मिलूंगी। मम्मी पायल क्यों पहन रहे हो? ये बेटा हम कल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कल हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को भी लेके चलूंगी और मैं अभी पायल डाल दूंगी, मैं सुबह सुबह भूल जाऊंगी। सुबह हम 5 बजे निकलने वाले हैं, तो इसलिए मैं काफी सारी चीजें जो है भूल जाऊंगी, इस वजह से मैंने सारी यहाँ पे तैयारी करके रख दी है। दिखाई है, मैंने सारी तैयारी करके रख दिया है, छोटू वहाँ पे घूम रहे हैं। अरे वो भी क्या, तो हम मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं मेरी बुआ सास के घर और वहाँ पे उनको मतलब अपनी बहू को एक लड़का हुआ है, तो उनका कल कुआ पूजन है, तो उन्होंने हम सबको बुलाया है। तो हम कल जा रहे हैं ट्रेन जर्नी में, काफ़ी दिनों बाद। हमेशा मेरे हस्बैंड जो है गाड़ी में लेके जाते हैं और मुझे गाड़ी का सफ़र बहुत कम पसंद है, क्योंकि मुझे वोमिटिंग हो जाती है, मेरे जो है तेल चढ़ता है इस वजह से। सो यहाँ पे मैं पायल पहन रही हूँ, ये देखो ये मैं पायल पहन रही हूँ, ताकि ना सुबह सुबह मतलब मैं भूल ना जाऊँ। और 5 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो इस वजह से मुझे लगता है शायद कहीं मैं भूल ना जाऊँ। इतने सारे सामान, मतलब इतनी ज़्यादा तैयारियाँ की ना, इतनी ज़्यादा तैयारियाँ की हैं। और यहाँ पे मैंने एक लहंगा भी रेडी किया सिर्फ 1.5 दिन के अंदर, जिसमें कि मेरी मशीन भी ख़राब हो गई थी सिलाई वाली, और दोनों मशीनें ख़राब हो गई, मतलब एक मेरी भी ख़राब हो गई और एक चाची सास से मैं लेकर आई थी वो भी ख़राब ही थी। फिर फटाफट से भाग के मुझे मेरे मम्मी के घर जाना पड़ा और वहाँ पे जाके मैं सिलाई करके लाई हूँ। तो सॉरी वो छोटू है ना जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो मतलब इतना हेक्टिक डे था आज का बहुत ज़्यादा। सुबह से मैं लगी पड़ी हूँ तैयारियों में बहुत बुरी तरह, और फाइनली सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं क्योंकि दोनों बच्चे भी जाने हैं। तो अभी हम तीनों नहा के आए हैं, वैसे तो मैं तो सुबह भी नहाऊंगी लेकिन बच्चों को शायद ही सुबह नहलाऊंगी, क्योंकि बीमार होने का खतरा होता है। और यहाँ पे ना गर्मी इतनी है भाई, भयंकर वाली गर्मी है। आप लोग बताना आपके यहाँ पे किस तरह का मौसम है। सो मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत बची हुई तैयारियाँ, क्योंकि मेरी चप्पल भी टूट गई है एंड टाइम पे, मुझे उसको भी ठीक करना पड़ेगा। और सारी ना गड़बड़े मतलब आपको कहीं जाना होता तभी होती है, तो हम गड़बड़ को ठीक कर देते हैं। सो मैं आपसे मिलूँगी कल सुबह ट्रेन में, और तब तक के लिए बाय। ट्रेन भी आ गई ना, ट्रेन में घूमने अनुशु भी आ गया।
अंशु हेलो हेलो भिवानी से चलकर रिवाड़ी के रास्ते देहर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रिस्पेक्टिव सीट्स कृपया ध्यान दीजिए भिवानी से चल गाइस तो अभी हो रहा है जलवा और हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुन्नू मुझे कहीं भी नहीं जाने दे रहा है और मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। रेडी मैं सिर्फ 5 मिनट में हुई हूँ, मेरी आवाज़ आप लोगों को नहीं सुनाई देगी तो मैं बाद में आप लोगों से बात करूँगी। I'm not afraid to die.
हम लोग पहुंच गए हैं भिवानी दिल्ली जाके, और सब आगे दूसरी वाली साइड पे बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी इधर ट्रेन में पहले जब हम बैठे, बट अब सब खाली है। और वो देखो पहले ही खड़ा हो गए। सो गाइस अभी मैं मिलूंगी आप लोगों को घर पे ही, और ये बुग्गू भी यहाँ पे सो गए क्योंकि हम ट्रेन में बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। और भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें सेंस की है आपके बाद कि मतलब कहीं जाते हैं ना तो आपको वहाँ की खुशबू आती है, और कहीं जाते हो तो आपको वहाँ की सेंस होती है कि किस वो चीज़ आने वाली है, मतलब कोई भी स्टेशन। बट दिल्ली के ना आपको बदबू आती है कि दिल्ली आने वाली है। तो दिल्ली में घुसने से पहले कि ट्रेन में मत जाना प्लीज। हाँ बिल्कुल रियल है ये। हाँ रियल है ये भाई। और ये वाली ट्रेन तो बड़ी बकवास थी जब हम आए थे ना, तब बिल्कुल ठीक थी, बट अब तो अब हमारी ट्रेन गाइस बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो मैं आपसे मिलती हूँ घर पे, तब तक ले बाय।